हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे इंग्लिश क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके राइटर है एलिफोंस डॉडेट। तो ये शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। तो अपन इसके चैप्टर की समरी देखने के बजाय अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे तो हमें चैप्टर भी समझ आने लगेगा। तो अपन इसके क्वेश्चन आंसर को पहले क्वेश्चन एक जगह देख लेते हैं, फिर हम लाइन से क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट इन 8 क्वेश्चनों को लेते हैं और हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विद फॉर स्कूल दैट डे। तो हमारे क्वेश्चन से मतलब है कि उस दिन फ्रांस को स्कूल में क्या प्रिपेयर करके ले जाना था। तो इसका आंसर है, दैट डे फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद अ पार्टिसिपल बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। तो इसका है, इसका आंसर में हो जाएगा, मतलब इस आंसर का मतलब है कि फ्रांस को उस दिन स्कूल में पार्टिसिपल प्रिपेयर करके ले जाना था क्योंकि उसके सर, जिनका नाम है एम हैमल, तो मास्टर हैमल, उनने फ्रांस से कहा था कि उस दिन वो उससे पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसका सिंपल अगर हम आंसर करें तो वो हो जाएगा कि इसको स्कूल में पार्टिसिपल प्रिपेयर करके जाना था क्योंकि उसके मास्टर ने उससे कहा था कि वो उससे क्वेश्चन करेंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब उस दिन बोर्ड पर क्या सूचना थी। तो इसका आंसर है, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेसी एंड लॉरेन। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था कि अब से स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो यही जो नोटिस था वो बुलेटिन बोर्ड पे पुट अप हुआ था। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब यह नोटिस आया कि अब स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी तो उस दिन स्कूलों का वातावरण कैसे बदल गया। तो इसका आंसर है, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलमैन ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर वेरी ऑलवेज एम्प्टी द एडली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द चाइल्ड। तो इस आंसर से हमारा मतलब है कि उस दिन वह स्कूल बहुत ही अजीब सा और सीरियस मतलब दिखाई पड़ रहा था। जो लास्ट बेंच पे हमारे जो बैक बेंचर होते हैं वो हमेशा शोरगुल्ला करने वाले, वो पीछे आज इतने चुपचाप बैठे हैं मानो जैसे गांव के बुजुर्ग बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हों। तो ये स्कूलों में चेंजेस आए थे जब ये ऑर्डर आया था। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंजेस। तो जब ये बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ हमको फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, तो जो फ्रेंच था उसकी भावनाएं कैसे बदल गई मिस्टर हैमल के लिए और स्कूल के लिए। तो पहले अपन इसका आंसर देखते थे। इसका आंसर है, फ्रेंच केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन द फ्रेंच दैट एम हैमल वुड गिव दैम। यानी जब वह स्कूल गया तो उसे मालूम पड़ा कि यह जो लेक्चर चल रहा है वो फ्रेंच का आखिरी लेक्चर है जो एम हैमल उसे दे रहे हैं। फिर फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल टॉट ओनली जर्मन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। फिर जब उसे रियलाइज़ हुआ कि अब यह उसका आखिरी लेसन है, अब इसके बाद से स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने ये सब लेसन पहले अच्छे से क्यों नहीं पढ़े, और उसे बहुत बुरा लगता था कि उसने अच्छे से पहले इस सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई क्यों नहीं करी। His books which seemed as nuisance and burden earlier were now old friend. जो बुक उसे पहले बोझ लगा करती थी बट अब उसे ऐसी हो गई जैसे मानो उसे पुराने दोस्त मिल गए हों। His feeling about M. Hamel also changed. तो जो वो एम हैमल के लिए फील करता था कि वो हमेशा उसे डांटते रहते हैं, पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, तो ये सब उसकी भावनाएं चेंज हो गई। अब अपन फिफ्थ आंसर देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल राइट इन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आखिरी में एम हैमल ने बोर्ड पर क्या लिखा। तो जो मिस्टर हैमल थे
जो फ्रांस के टीचर थे तो उनने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, तो इसका आंसर है ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट और लार्ज एज ही कुड बाय ला फ्रांस। यानी वो बोर्ड की तरफ मुड़े, उनने एक चौक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने बोर्ड पे अपना शब्द लिखा फ्रांस जिंदाबाद, वेवर लाइव फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। फिर इसके बाद सिक्स्थ है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन पाइगॉन व्हाट कुड हिज। तो अब अपन सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमको दे रखा है फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन पाइगन्स व्हाट कुड दिस मीन। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि फ्रांस सोच रहा है कि अब हमें क्या जर्मन बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा, जैसे पहले ज़माने में होता था कि जो कबूतर रहते थे वो गाकर अपना संदेश भेजा करते थे, तो अब क्या कबूतरों को भी मतलब जर्मन में ही गाना पड़ेगा। तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है इट मीन्स दैट जर्मन कैन इंसल्व द फ्रेंच बट दे कांट टेक अवे देयर लव फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, इट इज़ इन देयर ब्लड एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज दे अलाइव, द ऑर्डर अराउज्ड द पेट्रियोटिक फीलिंग अमंग द पीपल, सडनली दे रियलाइज हाउ प्रीशियस एज देयर लैंग्वेज वॉज टू देम, मिस्टर हैमर टोल्ड दैट फ्रेंच इज मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज़ क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, फ्रांस बिकम वेरी सेंटिमेंटल, This was his last lesson in French. He felt sorry for neglecting his lesson in French. Now he had great respect for French and Mr. Hamel. तो इसके आंसर में हमको समझाया है कि जो जर्मन के लोग थे उनने जर्मन भाषा को कंपलसरी कर दिया था, तो अब कबूतरों को भी जर्मन में ही गाना पड़ेगा और जर्मन में ही संदेश देना पड़ेगा। तो जो ये ऑर्डर आया था तो ये हमें संकेत देता है कि अब मतलब जर्मन वालों ने कितनी हद कर दी कि अब ये सब इतने हार्डली उनने बोल दिया कि अब सिर्फ जर्मन भाषा ही चलेगी। फिर एक और पॉइंट इसमें है कि जो अधिकारी थे मतलब अधिकारी दफ्तर, वहाँ पे भी जर्मन भाषा को ही उनने कंपलसरी कर दिया था कि अब सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी जर्मन भाषा ही चलेगी। तो ये भी एक संकेत देता है कि उनने जर्मन भाषा को मतलब कितनी हद तक कंपलसरी कर दिया था कि हर जगह सिर्फ जर्मन भाषा ही चलेगी। तो जो फ्रांस के लोग थे उनके अंदर अगर देशभक्ति की भावना होगी तो वो अपनी जो भाषा को प्यार करते होंगे, तो वह उन दफ्तरों पे भी सिर्फ फ्रांस लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे। यही इस पॉइंट में था। पर इस बार जो ऑर्डर आया था कि जर्मन लैंग्वेज ही यूज़ की जाएगी, तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल आ गया था। तो यही था इस क्वेश्चन का मतलब। और इस आंसर के एंड में जो फ्रांस रहता है फिर उसे रियलाइज़ होता है कि मैं जिस लैंग्वेज को मतलब नफरत करता था या जो मुझे बोझ लगती थी अब वह ख़त्म होने वाली है, तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है खुद पे कि मैंने ऐसा करा। और फिर उसके मन में जो रिस्पेक्ट थी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए और मिस्टर हैमल के लिए फिर वो बढ़ जाती है। अब अपन सेवन्थ आंसर देखते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ एलिफेंट डॉट हैज़ बीन। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो एलिफेंट डॉट का जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, तो इसका बैकग्राउंड मतलब इसमें क्या समझाया गया, ये किस बारे में बात हो रही है, तो इस चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है। तो अब अपन इसका आंसर देखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंचो पर्शियन वॉर 1870-1871। फ्रांस वॉज डिस्कवर्ड डिफीटेड बाय पर्शिया जर्मनी बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अलेक्सा एंड लॉरेन, द पीपल डिस्क्राइब हाउ अ टीचर्स इन मिस्टर हैमल हिज स्टूडेंट एंड द लोकल विलेजेस रिएक्ट टू दिस शॉकिंग न्यूज़। तो ये जो लास्ट लेसन है ये उन दिनों में बनाया गया है जब फ्रांस और पर्शिया इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, और वो सन कौन सा था 1870 और 1871, तो इस साल के बीच में उनकी लड़ाई हो रही थी और जो फ्रांस था वो पर्शिया यानी जर्मनी से हार गया था। तो जब जर्मनी से वो हार गया था तो जर्मनी वालों ने एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला था कि अब फ्रांस वाले लोगों को में फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। तो इस न्यूज़ को सुन के जो मिस्टर हैमल थे ये उनको न्यूज़ बता रहे थे बच्चों को और लोकल विलेज वालों को, तो जब इन लोगों को ये पता पड़ा तो वो बहुत शौक हो गए
कि अब उन्हें फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। अब इसका 8th और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हैमर पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। तो जब यह नोटिस आ गया था कि अब फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, तो मिस्टर हैमर अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या ट्रिब्यूट करते हैं या क्या अपनी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो मिस्टर हैमर अपनी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, मिस्टर हैमर डिक्लेयर दैट फ्रांच वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। स्टार्टिंग से देखते हैं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो एलिफेंट डॉट का जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, तो इसका बैकग्राउंड मतलब इसमें क्या समझाया गया, ये किस बारे में बात हो रही है, तो इस चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है, तो अब अपन इसका आंसर देखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंचो पर्शियन वॉर 1870-1871। फ्रांस वॉज डिस्कवर्ड डिफिटेड बाय पर्शिया जर्मनी बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अलेक्सा एंड लॉरेन। द पीपल डिस्क्राइब हाउ अ टीचर्स इन मिस्टर हैमल हिज स्टूडेंट एंड द लोकल विलेजेस रिएक्ट टू दिस शॉकिंग न्यूज़। तो ये जो लास्ट लेसन है ये उन दिनों में बनाया गया है जब फ्रांस और पर्शिया इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, और वो सन कौन सा था, 1870 और 1871, तो इस साल के बीच में उनकी लड़ाई हो रही थी, और जो फ्रांस था वो पर्शिया यानी जर्मनी से हार गया था। तो जब जर्मनी से वो हार गया था तो जर्मनी वालों ने एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला था कि अब फ्रांस वाले लोगों को में फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। तो इस न्यूज़ को सुन के जो मिस्टर हैमल थे ये उनको न्यूज़ बता रहे थे बच्चों को, लोकल विलेज वालों को। तो जब इन लोगों को ये पता पड़ा तो वो बहुत शौक हो गए कि अब उन्हें फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। अब इसका 8th और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हैमर पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। तो जब यह नोटिस आ गया था कि अब फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, तो मिस्टर हैमर अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या ट्रिब्यूट करते हैं या क्या अपनी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो मिस्टर हैमर अपनी लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, मिस्टर हैमर डिक्लेयर दैट फ्रांस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ द ऑल लैंग्वेज। ही आज द पीपल टू गार्ड इट अमंग देमसेल एंड नेवर फॉरगेट इट। एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैव द की टू फ्रीडम, हैंस दे मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज। तो अपनी लैंग्वेज के बारे में वो बोलते हैं कि जो फ्रांस लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, और मतलब बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है एज कंपेरिजन टू ऑल लैंग्वेज। ही आज द पीपल, वो सारे लोगों को बोलते हैं कि हम अपनी भाषा को बचाए रख सकते हैं अगर हम अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसकी पकड़ अपने पास रखें, और वो ही एकमात्र, हमारी भाषा ही एकमात्र सहारा है जो हमें फ्रीडम दिला सकती है। तो हम अपनी लैंग्वेज को ना भूलें, हमेशा उससे प्यार करें और उसका अपनी भाषा का सम्मान करें। तो यही था हमारे लास्ट आंसर। तो हमने द लास्ट लेसन के सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, तो ऑलमोस्ट अपन को चैप्टर भी समझ आ ही गया होगा कि ये चैप्टर किस बारे में था। तो अपन इसकी एक लास्ट समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या था। तो जो द लास्ट लेसन था वो एक लड़ाई पे बेस्ड था, वो लड़ाई कौन सी थी, फ्रेंचो पर्शिया, इन दोनों की लड़ाई के बीच की यह स्टोरी है। जो स्टोरी कब हुई थी, 1870 से 1871, ये तब की स्टोरी लिखी गई है, और इसमें फ्रांस जो था वो पर्शिया से हार गया था। तो फ्रांस पर्शिया ने मतलब जर्मनी ने रूल निकाला था कि अब वहाँ पे फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे अब कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होगा, जर्मन लैंग्वेज अब वहाँ पे यूज़ होगी। तो उसी के बारे में एक देशभक्ति के लिए जो मिस्टर हैमल थे वो अपने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर लेते हैं, और वो लेक्चर रहता है द लास्ट लेसन। तो यही थी इसकी शॉर्ट समरी, ऑलमोस्ट आपको समझ आ ही गया होगा। थैंक यू।